सो हे गाइस, मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी अनुज। दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता दूं कि अगर आपका अकाउंट फेसबुक की तरफ से लॉक कर दिया गया तो इस वीडियो में आप सही वीडियो में आ चुके हैं। आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे लेकिन इस वीडियो में भी आप 4 से 5 मिनट दीजिए। इस वीडियो में आप बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा, समझना होगा, तभी आपका अकाउंट यहाँ पर अनलॉक किया जाएगा। फेसबुक के तरफ से एक बहुत ही बुरी खबर आ चुकी है जो आपको सुनकर ये थोड़ा सा ये होगा, तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या करना है जिससे आपका अकाउंट ओपन हो सकता है। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, और कमेंट में जरूर अपना राय दीजिएगा। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपका अकाउंट लॉक हो चुका है तो यहाँ पर फेसबुक की तरफ से एक बुरा खबर आ चुका है। जिनका अकाउंट सितंबर में लॉक हुआ है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा खबर आ चुका है, तो वो भी इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें। और फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं, सितंबर से पहले वाले भी जितना भी अकाउंट लॉक हुआ है उनका अकाउंट आसानी के साथ ओपन हो जाएगा, बट यहाँ पर सितंबर वाले के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, फिर भी उनका भी अकाउंट ओपन होगा, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा प्रोसेस क्या था जिससे आपका अकाउंट ओपन हो जाता था। अगर आपके अकाउंट पे आइडेंटिटी वाला ऑप्शन है, आपके अकाउंट पे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ चुका है ओरिजिनल वाला, इस पर हमने एक वीडियो बनाया है। अगर आपका ओरिजिनल वाला नहीं आया है तो वीडियो है चैनल पर, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, एंड स्क्रीन में भी लगा देंगे। अब देखिए, अगर आपका वहाँ पर गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ रहा है, अगर वहाँ पर आप क्लिक कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको आइडेंटिटी वाला ऑप्शन आ रहा है। अगर आप वहाँ पर आइडेंटिटी वाला ऑप्शन को सबमिट कर देते हैं अपने आईडी प्रूफ, तो आपका अकाउंट फंस जाएगा और आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा। तो आपको ये गलती नहीं करना है, आपको अकाउंट को ओपन करना है गेट बाय कोड से या फोन नंबर पे या जीमेल पे आए, ठीक है, तो ये आपको करना है तभी आपका अकाउंट ओपन होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या। पहला वाला प्रोसेस हमारा ये था कि फेसबुक का ये कुछ रूल भी था कि अगर आपका अकाउंट यहाँ पर लॉक हो चुका है तो आप वहाँ पर 2 से 4 से 5 नंबर ऐड कर दीजिए। अगर आपको आइडेंटिटी वाला ऑप्शन आ रहा है गेट कोड लाने के लिए, 4 से 5 नंबर ऐड कर दीजिए जिसपे आपका कोई फेसबुक अकाउंट नहीं हो, जिससे कोई फेसबुक अकाउंट नहीं हो, तो उस वो वाला उस पर गेट कोड आने का ऑप्शन ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते थे। तो ये अकाउंट का आपको क्या करना है कि आपको ऐड कर देना है 4 से 5 नंबर और एक मंथ के लिए आपको लॉग आउट कर देना है, एक मंथ के लिए आपको लॉग आउट कर देना है। इस तरीके से हमारा अकाउंट एक मंथ के लिए लॉग आउट कर देने के बाद आपको एक महीने के बाद जैसे ही लॉगिन करते हैं तो वहां पर आपका गेट कोड का ऑप्शन आ जाता था और आपका अकाउंट ओपन हो जाता था। फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं, सितंबर से पहले जिनका अकाउंट लॉक हो चुका है उनके अकाउंट पर अगर आपको आइडेंटिटी वाला ऑप्शन आ रहा है तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा एक, उस पर टच करना है और 2 से 4 से 5 नंबर 5 नंबर ऐसा वहाँ पर जाकर ऐड कर देना है, लिंक पर क्लिक करना है, उसके बाद वहाँ पर नंबर ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा, आपको जाना है वहाँ पर अपना 4 से 5 नंबर ऐड कर देना है जिससे फेसबुक नहीं हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, 3 से 4 नंबर आप ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद आपको फेसबुक को लॉग आउट कर देना है अपना पर्सनल अकाउंट से और क्रोम ब्राउजर से भी, और उसके बाद आपको कोई छेड़छाड़ फेसबुक में एक मंथ तक नहीं करना है, एक मंथ के लिए आपको फेसबुक भूल ही जाना है तभी आपका अकाउंट अनलॉक होगा, नहीं तो नहीं होगा। कोई यूट्यूबर कितना भी घूम लीजिए, जहां भी घूमना है घूम लीजिए, आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा, क्योंकि यहां पर फेसबुक की काफ़ी ज़्यादा रेटिंग डाउन हो चुकी है और फेसबुक किसी का पर्सनल अकाउंट किसी को 500-400 में ये दे नहीं सकता है, तो आपको खुद ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको एक मंथ तक अगर आप लॉग आउट रखेंगे तो फेसबुक को ये लगेगा अकाउंट में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, जिससे फेसबुक ये समझेगा कि अकाउंट को हैक नहीं किया गया है, इसके कारण ये अकाउंट अस्थिर है, मतलब इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, इसके कारण वहां पर गेट कोड का ऑप्शन डाल देता था तो और डाल भी देगा। तो इस तरह से आप अपना अकाउंट लॉक कर अनलॉक कर लीजिएगा, ये आपका सितंबर से पहले होगा तो ही होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि अगस्त यहां पर जिसका भी सितंबर में अकाउंट लॉक हुआ है उनके लिए बुरी खबर यह है कि आप यहां पर नंबर ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर आप यहां पर नंबर ऐड करना बंद कर दिया है फेसबुक वालों ने तो आपको अब क्या करना है, आप अपना अकाउंट को कैसे ओपन करना है, तो यहां पर ये फेसबुक का क्या ही बोल सकते हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है जिनका सितंबर में अकाउंट लॉक हुआ है, फिर भी उनका अकाउंट भी ओपन होगा, ऐसा नहीं है कि अकाउंट ओपन नहीं होगा, अकाउंट सबका ओपन होगा। अब मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको भी वहाँ पर गेट आइडेंटिटी वाला ऑप्शन आ रहा है तो आप तो नंबर ऐड नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आपका चांस कम बनता है, फिर भी आपको भी वहीं पर बताया गया, तो आपको भी एक मंथ के लिए अकाउंट को लॉग आउट ही करके रख देना है, एक मंथ के लिए अकाउंट को लॉग आउट करके रख दीजिए तभी आपका अकाउंट ओपन होगा, अन्यथा कोई नहीं है, कोई मतलब कुछ भी कह लीजिए आपकी कोई 500-1000 रुपये ले लो और मेरा अकाउंट ओपन कर दो, ये नहीं होता है, क्योंकि ये यहाँ पर किसी का फेसबुक आईडी में क्या क्या होता है डॉक्यूमेंट्स कुछ ये सब, तो आपका फेसबुक अकाउंट कोई 400-500 रुपये में लेकर और फेसबुक वाले आपको दे सकता है,
ऐसा नहीं है तो आप लोग ऐसा नहीं कीजिए और आप लोग इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, तभी आपका अकाउंट यहाँ पर अनलॉक हो जाएगा। थोड़ा सा सितंबर में जिनका लॉक हुआ है उनके लिए थोड़ा सा ये बैड न्यूज़ है, क्योंकि वो नंबर ऐड नहीं कर सकते। तो ये आगे कुछ जो भी इन्फॉर्मेशन आता है, कोई न्यू ट्रिक आता है, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। और आप हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि अकाउंट को कैसे अनलॉक किया जाए, तो ये भी यही कुछ इन्फॉर्मेशन था। तो ये स्टेप को फॉलो कीजिए, आपका अकाउंट 100% अनलॉक होगा। ये नहीं है कि अकाउंट अनलॉक नहीं हुआ। कोई प्रॉब्लम हो आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज आइए, मैसेज कीजिए, बातें कीजिए। और फिर मैं कोई न्यू वीडियो में, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। यही कुछ इन्फॉर्मेशन था। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मैं कोई न्यू वीडियो में, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।